शर्म करो, डूब मरो कहीं जाकर। नहीं, आप क्या कह रही हैं? होश करें। मैं होश करूं और तुम कब तक यूं बेहोश रहोगे? अभी भी बच्ची को सीने से चिमटाए खड़े हो, न जाने किसकी औलाद है, किसका खून है, लेकिन तुम्हें तो न एहसास है न किसी बात की परवाह। इस वक्त तुम्हें अपनी औलाद को गोद में उठाना चाहिए, लेकिन तुम तो पाप की कटरी को उठाए खड़े हो। अरे कब तक रूमी की हर गलत बात को सही मानते रहोगे? ये मोहब्बत नहीं, साजिश है, साजिश। फंसा रखा है उसने तुम्हें अपने जाल में। आज वो हिजड़े तालियां पीट कर चले गए, कल को ये इस बच्ची को गोद में देंगे, सारा जमाना तुम पर हंसेगा, तब भी यूं ही मुंह में मेंगनियां भरे खड़े रहोगे। अरे मैं तो उस वक्त को रोती हूँ जब तुम्हारे कहने पर आकर रूमी को बहू बनाने का इरादा कर लिया था। कामिल से अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? कामिल, ये क्या हरकत थी? क्यों, क्या हुआ? रहानिया को आपके हवाले करके दिया और आप इस तरह लॉन्च में छोड़ के चले गए। अगर इसे कुछ हो जाता तो? तुम इतना भड़क क्यों रही? मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मुझे कॉल आ गई थी, सोचा कॉल सुन लूं फिर उठा लूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे भी आवाज दे सर, मैं आके संभाल लेती। तुम्हें नहीं पता इस वक्त कितना रूडली बिहेव कर रही हो। मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया यार, हद है। आप किस तरह बिहेव कर रहे? बहुत प्यार करती है ना मुझसे। हाँ काशिफ, ये कैसा सवाल है? मेरे लाख कहने के बावजूद तुमने अपने भाई को रोका क्यों नहीं? काश, कैसे कर लिया उसने किसी और से निकाह? काशिफ मेरी बात तो सुने। मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर रोहान ने मेरी बहन को ठुकराया तो मैं क्या करूँगा? काशिफ बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारे भाई जितना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी बहन का घर बर्बाद होते देख के चुप बैठा रहूं। काशिफ इसमें रोहान का कसूर है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। काशिफ नहीं, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। काशिफ ऐसा ना बोले आप। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। ये क्या है? तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। जान दो थोड़ा लेट हो गए। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला।
मंगनी हुई तो शादी डिले हो, फिर मंगनी टूट गई, शादी हुई तो इतना बड़ा हंगामा हो गया। ना मुंह दिखाई की रस्म हुई, ना सुहाग रात, और अब हम दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा भी हो गया। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल यार। जिंदगी ऐसी होती है, खासतौर पे मेरे, मुझे खुद नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा। बहुत गुस्सा किया है ना मैंने, मुझे माफ करते हैं। तोहफा पसंद आया? बहुत अच्छा है, आप पहना भी दें। तुम्हारे हाथों की खूबसूरती ने तो इस हीरे की चमक और भी बढ़ा दी। हाँ, मैंने भी आपके लिए कुछ लिया है, मुंह दिखाई नहीं देना था। पागल हो गई हो क्या? लड़कियां मुंह दिखाई नहीं देती। ओ, मैंने आपसे कहा था ना, मैं मुंह दिखाई का ट्रेंड सेट करूंगी। ये देखिए, कैसा लगा आपको? कामिल, अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ, खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। आए, आपको पहना भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या खाओगी? कुछ नहीं, मैं ऑफिस जाकर नाश्ता कर लूंगी। कुछ तो खा लो माँ, तुम अपना ख्याल नहीं रखती, अपनी सेहत का ख्याल रखो। ऑफिस भी जाकर तुम कुछ नहीं खाती। रोहान चला गया तो आपको मैं नजर आने लगी? क्या कह रही हो तुम? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, नाश्ता मैं ऑफिस में ही कर लूंगी। बर्तन धोते थे कमर दौड़ी हो गई, मगर वो क्रिकेट रानी पड़ी अभी तक सो रही है। खुदा गारत करे इसे। जोया, ओ जोया, अपना खूनी साथ नहीं तो किसी गैर से क्या शिकवा? जोया, अरे जोया, ऐसी औलाद मिली, बहू मिली, वो भी खिलाड़ी। अम्मी, ये क्या किया है आपने? पागल तो नहीं हो गई है? भीग गई हूँ सारी में। तो और क्या करती, इसके बगैर तुम्हारी आंख खोलने वाली नहीं थी। उठो शराबा से, रात रात भर फोन पर लगी रहती हो और दिन चढ़े तक सोती रहती हो। अंजुम कब का ऑफिस जा चुका, तुम कॉलेज कब जाओगी? कॉलेज क्यों जाऊंगी, वलीमा है आज। हाँ हाँ, भाई ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है ना रोमिसा से शादी करके, जो उसके वलीमे के लिए तुम छुट्टी करोगी। अब कॉलेज नहीं जा रही हो तो उठ जाओ, हाथ बटाओ, मेरा सौ सौ काम पड़े। पूरे का पूरा घर हत्थे से उखड़ा हुआ है, मैं ही अकेली दौड़ती फिरूं करती फिरूं जैसे मैं नौकरानी हूं। तुम छत पर क्या करने गई थी? कबूतर से अंडे लेने के लिए गई थी। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं वो बच्ची के कपड़े छत पे सुखाने के लिए गई थी। शाम को वलीमा है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ सारे काम पहले से निमट जाएं। और हस्बे मामूल, आपने नाश्ता तो बनाया नहीं होगा मेरे लिए, इसलिए अब किचन में जाऊंगी अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। एक बात और, आप बिल्कुल फिक्र मत करना, अपने इन हाथों को अच्छी तरह धो के आपके बर्तनों को छूना। जहेज की तो हर चीज की मुझे खबर है, फिर ये हीरे की अंगूठी इसके पास कहां से आई? खुदाया, क्या हालत की हुई है कमरे की इसने, सफाई तक नहीं कराती।
रख दिए चार्जर में। ये अंगूठी हीरे की है, इसमें हीरे जड़े हैं क्या? जी क्या इसमें तो नहीं देखी, कहाँ से आई है? कामिल ने दिया, मुंह दिखाई में। सिर्फ यही नहीं, इसका पूरा सेट दिया आंटी। क्या आपको यकीन नहीं आ रहा ना? भाभी आप अकेली खड़ी क्यों मुस्कुरा रही हैं? बस वैसे आंटी ने तुम्हारा पराठा यहाँ पॉट में रख दिया, ले लेना। मैंने ये नहीं खाना, कब से अम्मी के हाथ के खाने खा खा के बोर हो गई। आप ही आज मुझे पराठा बना दें। हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें पराठा बनाना सिखा भी देती हूँ। ये तो और भी अच्छा है। आपने बुलाया मुझे? बैठो। आज शाम को टेक्नो टेस्ला के सीईओ के साथ मीटिंग है, प्रोजेक्ट की डिटेल तुम नहीं साहब से ले लो। यू मे गो नाउ। आप पहले से जिद्दी हैं, ये तो मैं जानता ही था, लेकिन आप जिद में आकर अपना ही नुकसान कर लेती हैं, ये आज मालूम हुआ मुझे। हाउ डेयर यू जज मी। मुझे जानने से पहले अपनी औकात में रहना। यू नो व्हाट, यही तो मसला है आपका। आपको दूसरे इंसान की औकात नजर आती है, इंसान और उसकी अच्छाई नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरा मशवरा इस कंपनी के मफाद में, लेकिन आपकी झूठी अना और झूठे स्टेटस को ठेस पहुंचेगी, इसीलिए आपने मेरा मशवरा रिजेक्ट कर दिया। गेट आउट फ्रॉम हियर। आई सेड लीव। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मुझे भी वहां काम करने का कोई शौक नहीं मैडम, जहां फैसले सच्चाई के बजाय घमंड और जिद में किए जाएं। और एक और बात, दूसरों को नीचा दिखाते दिखाते आप बुलंदियों पर तो पहुंच जाएगी, मगर उस वक्त आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, तन्हा होंगी आप। बाबा क्या बात है, आप ऑफिस नहीं गए आज? आज रूमी के वलीमे पे जाना है ना, इसलिए। वो सुंदस और तुम्हारी माँ तैयार हो रही है, तुम भी जाके तैयार हो जाओ। क्या बात है बाबा, आप परेशान लग रहे हैं। मम्मी बता रही थी कि आपकी तबीयत भी खराब रहती है और हमने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। इंसान को बीमारी नहीं, उसकी गलतियों का पछतावा खा जाता है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझसे कहां गलती हुई है। मेरी सादतमंद नेक दिल बेटी जो दुनिया को फतह करने का हर गुर जानती है, आज शगुफ्ता के रहम करम पर है। ता जाने हूं
खुश है अभी कि नहीं? आप परेशान ना हो, रूमी में दूसरों का दिल जीतने का फन है, उसे बहुत अच्छी तरह से आता है। आप देखिएगा, बहुत जल्द वो अपनी समझदारी से उस घर में अपने लिए जगह बनाने की, इंशाल्लाह। मेरी तो दुआ है अल्लाह जिंदगी भर की खुशियां उसे नवाजे। आमीन। चलिए आइए, देर हो रही है, आप ही तैयार हो जाएं। तुम चलो बेटा, तैयार हो जाओ बेटा। लगता है चांद मेरे कमरे में उतर आया। बहुत खूबसूरत और हसीन लग रही हो। क्या बात है, मेरी इतनी तारीफ के बाद भी तुम्हें खुशी नहीं हुई, क्यों? तुम्हें क्या बात है, तुम्हें मेरी कसम बताओ। कामिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुखसती के दौरान जो कुछ हमारी फैमिलीज में हुआ, कहीं आज कुछ। तुम्हें हमारी फैमिलीज ने जितना लड़ना था लड़ लिया। अगर तुम्हें अब भी डर है ना, तो मैं ख्याल रखूंगा। अच्छा सब बातें छोड़ो, ये बताओ ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूट कर रहा है। हाँ, आखिर तुम्हारी पसंद है ये सूट भी और मैं भी। थोड़ी देर के लिए हाने को संभाल लेंगे, मैं बस जल्दी से ज्वेलरी पहन लूं। हां क्या शो कामिल, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। रोमी एक मिनट पकड़ना। कामिल मैं तैयार हो रही हूं। सिर मत करो, समझा करो। जिमी, जिमी, अगर वलीमे का पूछना है तो बेफिक्र है, खाना मेहमानों से पहले पहुंच जाएगा। मैं सोच रही कामिल की जगह तुम्हारा नाम उल्लू रख दो, क्योंकि तुम्हारी जोरों ने तुम्हें उल्लू बना कर रखा। जब देखो हानिया को उठाए फिरते हो, ऐसे लगता है जैसे कामिल कहीं उस बच्ची के बाप। तो ये खुदा का खौफ करे आप, ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं आप? बस बस, ये गुस्सा अपनी जोरू को दिखाना माँ को नहीं। अम्मी मैंने हानिया को थोड़ी देर पहले उठाया क्योंकि रूमी तैयार होने गई थी इसलिए। हाँ बैठे बैठे आया जो मिल गई महारानी को। बहुत से जोरू के गुलाम देखे लेकिन कमबख्त तुमने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। बस अम्मी, अगर आपने जलील करने के लिए मुझे बुलाया तो मैं जा रहा हूँ। रुको मेरी बात सुना, वो दिखाई में तुमने हीरो का सेट बनवा कर दिया उसे। मेरे सामने तो हर वक्त पैसों का रोना रोते रहते थे। कितनी मर्तबा कहा कि माँ को एक सोने का कंगन बनवा कर दो, लेकिन नहीं, मेरी यही औकात रह गई इस घर में। बस कर दे आप, एक तो बोलती चली जाती हैं आप, मेरी बात तो सुन ले। बको, उस पे तो वैसे 20 लाख का कर्ज है अभी, मैं सेट कैसे बना के दे सकता हूँ? आपकी कसम। अच्छा तो खुदा का वास्ता, इतनी गलत फहमियां ना पालने के मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाए। इसका मतलब इस लड़की ने मुझे उल्लू बनाया। बहुत शौक है ना तुम्हें खेलने का। अब देखती हूँ असल खिलाड़ी कौन है। अरे तुम अभी तक यहीं बैठे हो, मीटिंग की तैयारी कर ली? नहीं, इस्तीफा लिख रहा हूँ। व्हाट, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं समझता था कि वक्त के साथ साथ महम का गुस्सा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरे गुस्से में अपना ही नुकसान करने पर तुल गई। और ये वैसे भी अपने आप को समझती क्या है, ब्लडी क्लास कॉन्शियस।
कभी ना कभी इसके बाप दादा भी तो लोअर क्लास रहे होंगे, या ये लोग पैदा ही लीड क्लास होते। देखो रिलैक्स, तुम अभी काशिफ एंड कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जानते हो कि काशिफ एंड कंपनी का मालिक कौन था? मैडम माहम का साबिका शौहर। व्हाट? वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन फिर उन्हें तलाक हो गई। इसीलिए वो अपना लाखों का नुकसान तक बर्दाश्त करने को तैयार है, लेकिन काशिफ के साथ काम करने को बिल्कुल नहीं। और अंजुम, तुम जानते हो कि उनके और काशिफ के दरमियान तलाक की वजह कौन बना? तो रूहान हसन। रोमी, अम्मी, अम्मी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आंटी आप लोग मिले, मैं नीचे मेहमानों को रिसीव करके आ रहा हूँ। रोमी तुम आंटी को लेके नीचे आ जाना, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अम्मी, मेरा बच्चा। बस मेरी जान, बस रोना नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल नहीं रोना। हमी मैं नहीं, कुछ नहीं कहना, एक लफ्ज भी नहीं। आज मैं कुछ कहने सुनने नहीं आई हूँ बेटा, सिर्फ तुम्हें अपने सीने से लगाने आई। एक एक पल मैंने दुआ की है तुम्हारे लिए कि मेरा परवरदिगार अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर दे। मैं खुश हूं अम्मी, शगुफ्ता आंटी के अलावा से मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत से पेश आते हैं। अंदाजा था मुझे इस बात का। मैंने तो सोचा था कि आज शगुफ्ता का दिल हमारी तरफ से साफ हो जाएगा, लेकिन लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। हमसे मिलना, हमारे साथ बैठना तो दरकिनार, उसने तो सलाम दुआ करना भी गवारा नहीं किया। इसीलिए अम्मी, इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं अब उनसे दबने वाली नहीं हूँ। बहुत बर्दाश्त कर ली उनके हरकतें, लेकिन अब और नहीं। नहीं बेटे, नहीं। तुमने शगुफ्ता को नाराजगी का कोई मौका नहीं देना। होती रहती है मेरी जान, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती है। तुमने हौसले से काम लेना है, चुपचाप हर बात को दरगुजर करना है, सबका ख्याल रखना है घर में बेटा। लड़की का यही काम होता है, अपने शौहर की खिदमत करे। और अपनी सास की, घर वालों की कोताहियों को दरगुजर करे। नहीं रोमी। पापा, पापा। बेटा, सारे फराइज औरत के लिए नहीं है, कुछ मर्द के लिए भी है। अगर सिर्फ औरत करेगी तो गुलाम कहलाएगी, और मेरी बेटी किसी की गुलाम नहीं है। बेटा, किसी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना, हालात जैसे भी हो सच्चाई का साथ देना, क्योंकि फतह हमेशा सच्चाई की होती है। बेटा, दूसरों की बजाय पहले अपनी खुशी देखना, ये वादा करो। जिन लोगों को तुमसे मोहब्बत होगी वो तुम्हारी सच्चाई का साथ देंगे।
और तुम्हारी खुशी में खुश होंगे। मैं वादा करती हूँ पापा, यू आर माई गाइड, माई रियल कोच। मैं आपसे वादा करती हूँ पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे बेटा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। ये लो, तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हूं तुम्हारी पसंद। इसमें से कुछ चॉकलेट मेरी दूसरी बेटी को भी दे देना। थैंक यू बाबा। खुश। मिस्टर अंजुम, ग्लैड टू सी यू। नाइस वर्क एंड कीप इट अप। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आई नहीं सर। अम्मी, आप यहाँ कमरे में बैठी हैं और बाहर सब लोग आपका पूछ रहे हैं। अरे दफा करो, जिनसे मिलना था मिल लिया। बार बार तुम्हारे ससुराल वालों की शक्ल नहीं देख सकती मैं। आंटी, आप यहाँ बैठी हैं, बाहर मेहमान बैठे हुए हैं और आपने खाना भी नहीं खाया। नहीं, तुम लोग जाओ खा लो। इसका मतलब ये कि आप अब तक मुझसे नाराज हैं। आपने भी तो अम्मी का दिल दुखाया है ना। आंटी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। रहने दो असर, हमने उस दिन देख लिया तुम्हें जो तलाक का हक हासिल है ना, इसीलिए उस दिन तुमने हमें इतने सारे मेहमानों के सामने डराया धमकाया। मैम, मैं शर्मिंदा हूँ। उस दिन हालात ही कुछ ऐसे हुए थे कि। रहने दो ये बातें। कल को अगर तुम्हारी बहन हमसे नाराज होकर अपने घर चली गई तो तुम तो ये बात कहकर झट सुंदर से रिश्ता तोड़ दोगे कि हमने तुम्हारी बहन को बुरा भला क्यों कहा। तुमने साबित कर दिया दामाद दामाद ही होता, बेटा नहीं होता। इसीलिए लोग पट्टे सट्टे की शादियां नहीं करते। हम ही पागल थे जो औलाद की बातों में आ गए। हाँ ठीक, मैं सुंदर से भी माफी मांग चुका हूँ और आपसे भी वादा करता हूँ आइंदा कभी भी रोमी के मामले में मैं सुंदर को नहीं लेकर आऊंगा। वादा करते हो? कल को किसी बात पर अपनी जबान से फिर गए तो? मैं अपने वादे का पक्का हूँ। आइंदा कभी भी मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें तुम पर एतबार है। जाओ तुम लोग खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। सुंदर, आंटी को सब लेकर आना। क्या बात है, ऐसे क्या देख रही है? मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं कर रही। कोई बात शेयर करने के लिए है ही नहीं, फिर क्या शेयर करें? वही रूटीन की लाइफ है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। मेरी जिंदगी में इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। क्या इसलिए तुम डिप्रेशन दूर करने के लिए दवाइयां खा रही हो? क्यों कर रही हो ये सब कुछ और कब से खा रही हो? मैं सोच रही थी कि तुमने अब कंपनी ज्वाइन कर ली है, तुम्हारा दिल लग गया, लेकिन मैं गलत थी। हाँ, आप गलत समझ रही हैं। ये तो बस मैं कभी कभार। तुम मुझे बता सकती हो कि ये सब क्या है? ये क्या?
काशिफ को अभी तक नहीं भूली, उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। माँ, काशिफ की अब मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं, और आप ये सब बातें करके मेरे जख्मों को कुरेद रही हैं। काशिफ क्या किसी के लिए भी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं? क्या मतलब? तुम्हारा वो जो दोस्त, उसका क्या? कौन लड़का? वही जो रोहान के दोस्त की मेहंदी पर तुम्हारे साथ था। मुझे रोहान ने उसका नाम भी बताया था, मैं भूल गई क्या था। अंजुम? हाँ अंजुम। फॉर गॉड सेक माँ, उसकी हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय से ज्यादा कोई हैसियत नहीं है, और मैं रोहान नहीं हूँ जो ऑफिस के एम्प्लॉयज के साथ दोस्ती करूंगी। अम्मी, आपने खाना भी नहीं खाया, कम से कम मुंह ही मीठा कर ले। मन तो नहीं कर रहा, तुम कहती हो तो खा लेती हूँ। अंजुम आ गया ऑफिस से? आ गया ऑफिस से, लेकिन अम्मी आपको पता है वलीमे का बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इतनी तैयारियां करके यूं कमरों में बैठे हैं। इससे तो अच्छा था कि हम वलीमा करते ही ना। क्या कुछ सोचा था और हुआ क्या? अरे तो खानदान वालों को क्या मुंह दिखाती, फरीजा था सो अंजाम दे दिया। हमारी तो खुशियों पर ही पानी फिर गया। और वो जोरू का गुलाम बच्ची को ऐसे गोद में उठाए फिर रहा है जैसे खुद उसका बाप हो। जी चलता है, कलेजा मुंह को आता है बच्ची को उसकी गोद में देखकर। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता अम्मी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मुझे तो खुद पे गुस्सा आता है, दिल चाहता है कि मैं इनकी बहू ही ना होती, ताकि कम से कम माँ के लिए फैसला लेना तो आसान होता। बस यहीं तो फंस गए। लेकिन सुंदस, तुम फिकर न करो, देखती जाओ मैं कैसी चाल चलती हूँ कि वो कुलच्छड़ी देखती की देखती रह जाएगी। अम्मी मतलब क्या चल रहा है आपके जहन में? बस खाना बहुत अच्छा था, कहाँ से करवाया था आप लोगों ने? हमारे नेबरहुड का ही केटरर है, उससे करवाया। बताओ, काफी काफी डिशेस थी उसके पास। सुंदस, क्या ख्याल है कब तक चलना है? यही तो मैं आपसे पूछ रही थी, अंकल आंटी कहाँ हैं? वो तो अभी तक फोटो सेशन करवा रहे हैं। असद चलिए, भी इतनी रात हो गई है, अब तो बच्चे भी सोने लग गए हैं। हाँ श्योर। अच्छा कामिल बेटा, अब हमें इजाजत दो, थोड़ी देर और रुके तो तुम्हारी आंटी ने यहीं डेरे डाल लेने। असद गाड़ी निकलवा बेटा। सुंदस बच्चे कहाँ है? बच्चे रात बात हो गई थी, इंतजार करते करते सो गए, मैं उठाती हूँ। अंकल आंटी, आपने खाना तो ठीक से खा लिया था ना? अगर कोई भी आप लोगों को तकलीफ हुई हो तो उसके लिए माजरत। अरे नहीं नहीं बेटा, सब कुछ बहुत अच्छा था। रूमी बेटा, लो संभालो इस बुढ़िया को। अम्मी, अब आप कब आएंगे? हम तो आते रहेंगे बेटा, अब तुम आना जरूर। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम आई नहीं हो घर। मैं जरूर आऊंगी। जी आंटी, मैं रूमी को जरूर लेकर आऊंगा बहुत जल्द। इनफैक्ट मैंने तो रूमी को कई बार कहा है कि आंटी की तरफ चलते रहने की, नहीं मानती नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जब जी चाहे तुम दोनों आ जाना, तुम्हारा अपना घर है। और हाँ बेटा, इस गुड़िया को जरूर लाना, इसके बगैर हमारा घर सूना हो गया है। अंकल अगर आप चाहते हैं तो हानिया को साथ ले जा सकते हैं। इसी बहाने आपका दिल भी लगा रहेगा, क्यों रूमी? कुछ दिन के लिए तो हानिया जा सकती है ना अंकल के साथ, क्यों? अरे नहीं बेटा, हानिया को रूमी की आदत हो गई है, ये तो इसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। जी अंकल, ये बात तुम अच्छी तरह जान चुका। और वैसे भी अगर आप हानिया को साथ ले गए तो रूमी उदास हो जाएगी, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। चलो नायला, असद गाड़ी निकाल चुका होगा। अरे अंजू बेटा, जरा सुंदस को आवाज देना।
जंगल। अच्छा बेटा अपना ख्याल रख। ख्याल रखना। आइए अंकल मैं बाहर को छोड़ के आता हूँ। चलो आ जाओ नायला। जोया जोया चाय ले आओ। कहां मर गई? कम्बक सुनती भी नहीं, घुसी हो गई मोबाइल फोन में। आंटी आपकी चाय। मैंने जोया को कहा था चाय लाने को, तुम्हें नहीं। मैं जानती हूँ आप मेरे हाथ से पकी भी कोई चीज नहीं खाती, लेकिन ये जोया ने बनाई इसीलिए लेकर आई हूँ। रख दो यहाँ। क्या बात है, बड़ी खिदमतें की जा रही हैं सास की। अम्मी अब तो मेरी बीवी को कबूल कर ले। बेचारी कितनी खिदमत कर रही है आपकी। रहने दो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और सुनो तुम्हारे ससुराल वाले वापस गए या नहीं, या यहीं पड़ाव डालने का इरादा है? चले गए अम्मी। शुक्र है। ये क्यों नहीं गई? कहीं तुमने तो जाने से नहीं रोका इसे? मैं क्यों रोकूंगा, अपनी मर्जी से नहीं गई। अच्छा लगता है डर गई है। सोचा होगा अगर मैदान खाली छोड़कर गई तो शायद कभी वापस ना। हो सकता है। अम्मी आपको हानिया के यहाँ रहने से इतराज है ना, इसलिए मैंने अंकल आंटी से कहा कि हानिया को अपने साथ ले जाए, लेकिन बात नहीं मिली। रहने दो कामिल, मैं सब समझ रही हूँ। सिर्फ ऊपरे ऊपरे से कह रहे हो मेरा दिल रखने की। मैं ऐसे क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, मेरी बात का यकीन कर। एक ना एक दिन तो हानिया को यहाँ से जाना ही है ना, चली जाएगी। ना रखे आप।